हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ब्यूटीज एंड ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल नया कंटेंट आपके लिए। मेरे चैनल पे ये एकदम नया कंटेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरी लग्जरी प्रोडक्ट जो मैंने अपने ग्लोबस से खरीदे हैं और वो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको वो सब पसंद आएंगे और वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे ना तो साइड में ऐसा थम्सअप वाला साइन होगा उसको प्रेस कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन की बेल को हिट करना ये तो बहुत गलत हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन की बेल को हिट कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ये थम्स अप का साइन बिल्कुल प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं मैंने ग्लोबस से क्या क्या चीजें अपने लिए ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये बैग जो कि मैंने ग्लोबस से परचेस किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबस का लोगो बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। यानी बहुत ही सुंदर सा कलर है, बिल्कुल पेस्टल वाला कलर है जो आजकल चला हुआ है, ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा ये पेस्टल कलर्स। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये इतना ह्यूज बैग है कि आप इसके अंदर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट आप डाल सकते हो। अगर आप मम्मी हो ना मेरी तरह और आपके छोटे बेबीज हैं और आपको कहीं जाना है शॉपिंग के लिए कुछ करने के लिए, यू आर गुड टू गो विद दिस बैग बिकॉज इतना ह्यूज है ना, इतना ज़्यादा ह्यूज है। मैंने इसके अंदर अपना बहुत सारा कबाड़ भी भर के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। आई एम सो सॉरी, अगर आपको दिख रहा होगा ना तो इग्नोर कर देना, बट बहुत बहुत यूजफुल है ये प्रोडक्ट। इतना कुछ है ना, बस इसके अंदर डिग करते रहो और बस आपका बैग जो है बिल्कुल रेडी है। ऐसा नहीं है कि मैस हो जाता है बिकॉज इसमें आप थोड़े सेक्शन वाइज आप अपनी तरीके से सेटिंग करके डाल सकते हो, रख सकते हो प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये पूरा एक ह्यूज वन कंपार्टमेंट बैग है, ठीक है, वन कंपार्टमेंट बैग मिलता है ताकि आप फटाफट से अपना सामान इसके अंदर डालो और बस अपने बैग को हैंग करो और अपने काम के लिए निकल जाओ। सो ऑफिस लोग वाले लोगों के लिए ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे जैसे मॉमीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बैग है। जिनको ह्यूज बैग कैरी करने की आदत है ना उनके लिए ये बैग बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना प्यारा कलर है ना, इतना अच्छा रिफ्लेक्ट करता है ये कलर कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ मुझे एक छोटा स्लिंग बैग भी मिला था। इसके साथ मुझे ये वाला फर्स्ट बैग तो मैंने ऐसे खरीदा था, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर एक स्लिंग बैग भी था, बट इसके अंदर एक स्लिंग बैग भी मुझे मिला है और वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जो ये स्लिंग बैग मिला है ना वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो क्यूट सा है, छोटू सा प्यारा सा है और इसके अंदर भी ह्यूज स्पेस है। मतलब एक पानी की बॉटल आप कैरी कर सकते हो, देखने से आपको लग रहा होगा कि आगे का स्पेस छोटा है बट इसके अंदर ह्यूज स्पेस है। मैंने इसके अंदर भी अपना बहुत सारा सामान स्टफ्स रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो कि व्हाट्स इन माय बैग तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं अपने बैग्स में क्या क्या कैरी करती हूँ जब मैं बाहर निकलती हूँ शॉपिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं अपने बैग्स में क्या क्या कैरी करके लेकर जाती हूँ ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसके अंदर बहुत अच्छी खासी स्पेस है, आप अच्छा खासा सामान इसके अंदर रख सकते हो एंड स्लिंग बैग है तो आप साइड में टांग सकते हो एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। जीन्स के साथ, ड्रेसेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इवन सूट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर आपको दिख ही रहा होगा सेम कलर है क्योंकि ये मुझे कॉम्बो में मिला था, उस बैग के अंदर मुझे ये बैग मिला था। सो सेम कलर है, इसमें और भी ज़्यादा कलर ऑप्शन थे बट मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया सो मैंने ये वाला कलर लिया। आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट बैग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हैंड बैग है एंड दिस इज अ बैग अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन पेस्टल कलर एंड मुझे ये कलर इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये कलर। इसमें आपको 3 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, 3 चेन्स मिलती हैं एंड अ ह्यूज ह्यूज स्पेस, आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। ये बैग खाली है, पीछे वाले में सामान है बट आगे दोनों में कुछ भी नहीं है, पीछे वाले में सामान है इसलिए मैं आपको आगे दोनों का ही खोल के दिखाऊंगी। बट ह्यूज स्पेस अगर आपके एक पास ग्लोबस स्टोर है तो आप इस तरीके के बैग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये बैग्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड इनकी जो लेदर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सो यू कैन गो फॉर दिस बैग्स,
देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। आप इस तरीके से अपने हैंड्स में कैरी कर सकते हो, आप अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकते हो और हर तरीके की ड्रेस के साथ ये चले जाते हैं। इवन सूट्स हो, जीन्स हो, या फिर यू नो वेस्टर्न हो, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस हो, या फिर इंडियन ड्रेसेस हो, हर चीज़ के साथ ये वाले बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे पास ग्लोबस से बैग का कलेक्शन था, और भी बैग्स हैं बट ग्लोबस से मेरे पास ये तीन बैग है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वाले बैग्स पसंद आए होंगे। अब बारी आती है मेरी प्यारी चीज़ की जो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। लोगों की मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे कहीं भी ज्वेलरी दिखती है ना, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कितनी भी हो बट मैं एक दो पिक कर ही लेती हूँ। सो ग्लोबस से भी मैंने बहुत सारे अच्छे खासे कलेक्शन जमा किए हैं, कुछ मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं, ये कलेक्शन पसंद आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अगेन बनाऊंगी और उसमें आपके साथ दूसरे वाले जो मेरे पास रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने पूरा कलेक्शन शेयर करना शुरू कर दिया तो। सो इसलिए मैं आपके साथ कुछ ही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ये स्टड्स हैं, ब्लैक कलर के स्टड्स हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट और ट्रायंगल शेप में आप देख सकते हो ये स्टड्स हैं। एंड यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा स्टोन ब्लैक कलर का मिलता है। साइड में आप देख सकते हो कि साइड में आपको छोटे छोटे से स्टोन व्हाइट कलर के दिखने को मिल जाते हैं। पीछे जो इसका सेक्शन है वो ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि ये काफ़ी अच्छे से यू नो आपकी ईयर्स में फिक्स हो जाता है एंड एकदम अच्छा सा लुक देता है, लटकता नहीं है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इस तरीके के हुक्स, स्पेशली जिनके ईयर लोब्स बड़े होते हैं, जैसे मेरे ईयर लोब ये वाले कान के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे इस तरीके के हुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आप देख सकते हो बहुत क्यूट लगता है वेस्टर्न ड्रेस के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट ईयरिंग्स हैं, स्टड्स हैं। मैं आपको पहन करके दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगता है। तो गाइस यू कैन सी कि कितना क्यूट लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आप देख सकते हो। और मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपके पास एक ब्लैक कलर का इस तरीके का स्टड्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो कुछ इस तरीके का कलर है जो हर किसी ड्रेस के साथ या हर किसी आउटफिट के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच हो जाता है। चाहे आपने वेस्टर्न आउटफिट पहना हो, चाहे आपने इंडियन पहना हो, चाहे आपने व्हाइट कलर पहना हो, ग्रीन कलर पहना हो, येलो कलर पहना हो, कुछ भी पहना हो, बट ब्लैक इज द यू नो मस्त वाला कलर मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही अच्छा कलर होता है। बट मुझे ये वाला जो स्टड है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो सेकेंड जो स्टड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी कुछ इसी तरीके का है, बट उसमें आपको स्टोन्स देखने को मिलेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और नेक्स्ट वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है। सो ये प्रॉपर स्टोन वाला है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। अगेन ये पूरा ट्रायंगल शेप में आपको देखते, ये ट्रायंगल शेप नहीं है, आई कैन से कि ये स्क्वायर शेप में, बट ऐसे करोगे तो ये पूरा इस तरीके का बर्फी वाला शेप बन जाएगा, काजू कतली वाला शेप बन जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से देखोगे तो ट्रायंगल स्क्वायर शेप में होगा, ऐसे वाला जो है वो कुछ इस तरीके से त्रिकोण शेप हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका जो स्टोन है ना वो वाइट में नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, जो कि जब लाइट पड़ती है ना तो इतना सुंदर ये शाइन करता है, इतना सुंदर शाइन करता है और इतना प्यारा लगता है, क्यूट लगता है कि मैं क्या बताऊँ। सो लेट मी वेयर एंड शो यू कि कैसा लग रहा है ये पहनने के बाद। सो वन मिनट एक, ये बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ग्लोबस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी किए हैं जिसमें मैंने बहुत ही अफोर्डेबल ज्वेलरीज शो की है, बट कुछ ऐसी ज्वेलरीज होती हैं जो आप
थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ जाने के लिए आपको यू नो थोड़ी सी स्टैंडर्ड टाइप की चीज़ें चाहिए होती है। सो आप ग्लोबस से मतलब आँख बंद करके ज्वेलरीज तो शॉप कर ही सकते हो क्योंकि बहुत अच्छी ज्वेलरीज आती है वहाँ पे। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक हेयर बैंड। हेयर बैंड्स भी आपके पास होने चाहिए, बहुत ही सिंपल सा हेयर बैंड है ये, मैंने कई सारी वीडियोज में भी डाला हुआ है, पहना हुआ है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि पूरे स्टोन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि पर्ल लगा हुआ है। बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, बहुत ही प्यारा लगता है। ये कुछ इस तरीके का लगेगा, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का लगेगा और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप खुद के लिए नहीं लेना चाहते तो आप अपनी बेबी गर्ल्स के लिए ले सकते हो, उनको भी बहुत प्यारा लगेगा, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड दिस इज द आई थिंक, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी ज्वेलरी कलेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत सारी है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज जो मेरे पास यू नो इकट्ठा होकर मैंने रखी है, मुझे ज्वेलरीज से प्यार है और ज्वेलरीज मेरी यू नो मेरी जान है, मैं इतने अच्छे से उनको संभाल के रखती हूँ ना, जैसे कोई पैसे संभाल के रखता है, मैं अपनी ज्वेलरी संभाल के रखती हूँ, बहुत प्यार से रखती हूँ। सो मेरे पास बहुत अच्छी खासी कलेक्शन है ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज की, तो अगर आप देखना चाहते हो तो कॉमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर से उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगेन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल नेक पीस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है शायद लाइव वीडियो में मैंने शेयर किया है, मैं अपने अपनी भतीजे की शादी में मैंने जो गाउन पहना हुआ था उसके ऊपर मैंने ये वाला नेक पीस डाला हुआ था। बहुत ज़्यादा प्यारा नेक पीस है, आप देख सकते हो कि चारों तरफ इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, हर कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, बेसिकली इसमें पिंक एंड पर्पल्स ज़्यादा दिए हुए हैं, जो कि मुझे पर्पल ही चाहिए था क्योंकि मेरी गाउन पर्पल थी। एंड दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। इसके साथ मैंने पेयर की थी इयररिंग्स जो इसके साथ नहीं थी, मैंने अलग से ली थी, बट टचवुड उस वक्त मैं इतना ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे पर्पल इयररिंग्स ही नहीं मिल रही थी वहाँ पर, बट मेरी नज़र एकदम पटाक से गई और मैंने देखा मुझे एक पर्पल इयररिंग दिखी एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज सुपर, और वो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो आप देख सकते हो, इट इज सुपर अमेजिंग इयररिंग, स्टड्स कह सकते हो आप इसको, बहुत ही अमेजिंग स्टड्स है, बहुत खूबसूरत लगता है, मैं आपको पहन करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा पीस है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट कुछ अच्छी चीज़ अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो थोड़ा सा पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। सो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, आप देख सकते हो, एंड दिस इज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपने कोई ड्रेस डाली हुई है, इस तरीके की कोई ड्रेस पहनी हुई है, ये वाला अभी नेकलेस इसके साथ जा नहीं रहा है तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। अगर आपने कुछ इस तरीके की ड्रेस पहनी हुई है तो आप ये वाला स्टड्स, इस तरीके के स्टड्स को ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, या फिर आप वो ब्लैक वाले स्टड्स पे जा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो ये स्टड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था क्योंकि मुझे पर्पल चाहिए था और मैंने पर्पल में इसे ही पसंद किया क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। क्लोजअप से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लग रहा है ये। ओके, अब इसके साथ मैंने पेयर किया था ब्रेसलेट जो कि अगेन पर्पल में ही है, इसमें बहुत सारे इस तरह से बीट्स आपको देखने को मिलेंगे, पर्पल, पिंक एंड ब्लू एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऑरेंज, येलो, ये हर तरीके के, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है यार, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कूल वाला लुक चाहिए ना, यू कैन गो विद दिस। सो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इस वाले हाथ में पहन के दिखाती हूँ, सो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आई होप आपको ये सब अच्छे लग रहे होंगे। ब्रेसलेट की बात हो रही है तो मैंने एक और ब्रेसलेट लिया था जो कि कुछ इस तरीके का बैंगल शेप में है, आप कह सकते हो वॉच काइंड ऑफ लगता है ये, बहुत ही प्यारा लगता है आप देख सकते हो, एंड गोल्ड का इसमें पूरा
कोटिंग किया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें सिल्वर वाले भी थे, मुझे गोल्ड वाला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत सारी वैरायटीज थे, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छी वैरायटीज थी, मतलब मोटा वाला जो आता है वैसे टाइप के भी थे। एंड जस्ट आपको करना क्या है, बस इस तरीके से डालना है एंड यू गुड टू गो। एंड बस ये इस तरीके का लगेगा आपके हाथ पे, बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद, बहुत ज्यादा स्मार्ट लुक आता है। अगर आपने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी है तो आप इसको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वॉच पहनी हुई है, या मैंने कोई अच्छा खासा कोई बढ़िया एक्सपेंसिव सोने का कड़ा डाला हुआ है, इस तरीके का लुक लग रहा है। बट ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दिस इज द ब्रेसलेट, सेकेंड ब्रेसलेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद सिर्फ छोटी सी रेंडम चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज है, जनरली लोग शेयर नहीं करते हैं, लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को, बट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी होती है ना, जो बहुत यू नो लाइफ सेवियर होती हैं। आपके पास इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो कि बहुत ही अलग आपके किसी भी सिंपल से लुक को बहुत अच्छा कर सकती है। सो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ ये हेयर पिंस की। देखने में तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि अरे हेयर पिन क्या दिखा रही है, लेकिन यार इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर आपने कोई हेयर स्टाइल भी नहीं किया हुआ है, अगर आपने इस तरीके की कोई यू नो स्टोन वाली हेयर पिंस लगाई हुई हैं, तो आपका हेयर स्टाइल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, अभी मैंने बिल्कुल ही प्लेन किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैं बस यहाँ से ये ट्विस्ट करूँगी और ये मैंने लगाया फर्स्ट एंड ये गया हमारा सेकेंड एंड आप देख सकते हो एकदम से कितना अच्छा लुक चेंज हो गया होगा। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, एक तरफ मैंने बालों को ऐसे सीधा किया हुआ है और एक तरफ मैंने इस तरीके से पिन लगाई हुई है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये बहुत सिंपल सी चीज है बट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, मतलब मेरा ये आइडिया आपको अच्छा नहीं लगा है, एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे पास होना चाहिए वो है एक ब्रोच। आपके पास एक ब्रोच ज़रूर कलेक्शन में होना चाहिए। ये ब्रोच आप एज अ साड़ी में भी लगा सकते हो, या फिर आपने कुछ इस तरीके का प्लेन ड्रेस पहना हुआ है, आप यहाँ पे यह ब्रोच लगा लो, आपकी ड्रेस में अपने आप ही जान आ जाएगी। लेट मी शो यू, तरीके के ब्रोचेस आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये साड़ी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरीके के ड्रेसेस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, इसको इन सारी चीज़ों को आप भूल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यू नो एकदम आपकी लास्ट मिनट में आपकी जो ड्रेस है ना उसको अगेन एकदम नया सा लुक दे सकते हैं। सो आप इन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकते हो। ओके, लास्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रिंग्स। सो मेरे पास फर्स्ट रिंग, मैं आपके साथ ये वाली रिंग शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पास जो है वो ग्लोबस से है एंड ये पूरी पर्ल की रिंग है, आप देख सकते हो पूरी पर्ल की है एंड इसमें थोड़ा से वाइट स्टोन्स का भी वर्क किया हुआ है, पर्ल और वाइट स्टोन का वर्क किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये मेरा लास्ट आइटम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपनी फिंगर्स के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा आप जैसा चाहो वैसा पीछे से खींच करके या टाइट करके आप एडजस्ट कर सकते हो, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली भी रिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है। सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाली प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कौन से वाली ज्वेलरी अच्छी लगी या कौन से वाला बैग पसंद आया, या फिर आप और आगे वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हो, मेरा कौन सा कलेक्शन देखना चाहते हो, व्हाट्स इन माय बैग देखना चाहते हो या फिर मेरे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज का कलेक्शन देखना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।